पलवल मनरेगा घोटाला में पंचायत विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। करोड़ों रुपए के घोटाले में अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ पलवल के 6 अलग अलग थानों में मामला दर्ज हुआ है। दरअसल पंचायती राज संस्था के कार्य कराने के लिए जिले में 6 ब्लॉक हैं, जिनमें पलवल, होडल, हथीन, हसनपुर, प्रथला और बड़ौली शामिल है। इन सभी ब्लॉकों में मनरेगा के तहत हुए कार्यों में अनियमितताएं बरती गई हैं। अनियमितताएं बरतने पर पलवल सदर थाना, हथीन, होडल, हसनपुर, गदपुरी और चांदहाट में मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। जिला परिषद की सीईओ मनीषा शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि दुर्गापुर, सावटा, बढ़ा, किशोरपुर, टहरकी, जलालपुर व जोधपुर गांवों में किए गए जो कार्य हैं, उनमें बीडीपीओ उपमा अरोड़ा, एबीपीओ मनोज कुमार, एबीपीओ तैयूब हुसैन, ग्राम सचिव महेश गौतम, ग्राम सचिव गिरिराज सिंह, ग्राम सचिव यशवीर, ग्राम सचिव वीर सिंह, ग्राम सचिव महेंद्र चौहान सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी व अमानत में खयानत के तहत केस दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार अन्य थानों में अलग अलग गांवों में किए गए कार्यों में बढ़ती गई अनियमितताओं को लेकर की केस दर्ज करवाए गए हैं। पलवल डीएसपी यशपाल खटाना ने बताया कि एडीसी उत्तम सिंह की जांच रिपोर्ट के आधार पर सीईओ जिला परिषद मनीषा शर्मा के बयान पर 6 अलग अलग पुलिस थानों में केस दर्ज किए गए हैं। जाँच के दौरान जो भी अधिकारी और कर्मचारी अनियमितताओं में संलिप्त पाया जाएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा के तहत जो अनियमितताएँ पाई गई थी उनमें जिला परिषद की सीईओ मनीषा शर्मा एचसीएस हैं, जो उनकी शिकायत पर मामले दर्ज हुए हैं जो अलग अलग पुलिस स्टेशनों में प्रकरण हुए हैं, जैसे चांदा चाहे गदपुरी है, सदर है, होडल, भारती, हसनपुर, 6 पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए। 40 कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए। क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो दोषी होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल पलवल मनरेगा घोटाला में पंचायत विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पंचायत विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर घोटाले का गंभीर आरोप भी लगा है। पलवल से टोटल न्यूज़ के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट।